कोटद्वार के झंडी चौड़ में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने रिबन काटकर भारती देव एजुकेशन फाउंडेशन के आदिशंकर दिव्यांग विद्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 1.5 साल से विद्यालय कोटद्वार में ही किराए के कमरे पर चलता था। संस्था ने विद्यालय का उद्घाटन किया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दिव्यांग विद्यालय के लिए संस्था की सराहना करते हुए कहा कि हमें दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित संसाधनों की आवश्यकता है, जिससे उन्हें समान अधिकार और अवसर मिल सके, जो इस समाज के समर्थन का प्रतीक है। हमें इसे जो है अपनी जिम्मेदारी मानकर इसे बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगों को स्वतंत्र बनाया जा सकता है और उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में मदद मिल सकती है। जी पार्षद हैं मनीष भट्ट जी, पार्षद हैं वीरेंद्र भरद्वाज जी, रामेश्वरी देवी जी, गीता देवी जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, फिर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपकी ये जो बहुत ही सुंदर मुहिम आपने जो शुरू की है उसमें आप सफल रहें, आगे बढ़ें और साथ ही साथ जो समाज में इस वक्त जो आवश्यकता है उसकी मुहिम आपने उठाई है। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, एक किसी अंग के कारण दिव्यांग है, लेकिन आप भी ये जान रहे होंगे पिछले 1.5 साल से शायद आप दिव्यांग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति इनमें होती है जिससे कि वो जो जिस अंग से ये लोग परेशान रहते हैं उसको भी उस मुसीबत को भी पाट लेते हैं। तो इसलिए आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, किस तरह से ये जीवन में अभी अपना अच्छा आगे करें, किस तरह से पहले तो पढ़ाई लिखाई में स्ट्रांग हों।